Hey guys, what's up? Welcome back to another vlog. And अब लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो तभी शायद दुर्गा पूजा चल रहा है. So happy Durga Puja to you guys and your family also. And बहुत गर्मी है, फैन चल रहा है. So without fan vlog करना it's too tough for me. So समझ ही रहे हो. सो एनी वे आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा आई मीन ऑलमोस्ट 200 वीडियो है. सो अबाउट माई टैंक बैग. तो ऑलरेडी दो वीडियो चैनल पे आ चुका है. एक जिस दिन मैं ये टैंक बैग खरीदने गया था तो उस दिन का वीडियो, एंड एक छोटा सा राइट पे गया था 150 किलोमीटर प्लस काइंड ऑफ राइट. सो उस टाइम पे भी मैंने ये टैंक बैग यूज़ किया था. सो एनी वे गाइस, अभी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं. ये रहा वो टैंक बैग, सोलिस का है. तो एज यू कैन सी यहाँ पर ब्रांडिंग किया हुआ है सोलिस भी, एंड यहाँ पर भी सोलिस का एक लोगो है, अच्छा खासा सुंदर लोगो. तो एंड हाँ, यहाँ पर देखो ये हेडफोन का एक क्या बोलो पोर्ट है. तो आप लोग यहाँ पर फ़ोन रख सकते हो और वहाँ से वायर लेके अपनी कारों में कनेक्ट कर सकते हो, जो कि राइड पे उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है. सो एनी वे ये फिलहाल बाद में किसी और टाइम पे यूज़ कर लेंगे. तो ये है पूरा टैंक बैग. यहाँ पर एक पॉकेट है, इस साइड में भी एक पॉकेट है और यहाँ पर भी. सो ये जो टैंक बैग है बेसिकली ये मेटल टैंक बैग नहीं है, मैग्नेटिक टैंक बैग ये नहीं है, ये हार्वेस्ट टैंक बैग है. और इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो यहाँ पर है. तो मेन चीज़ जो है बेस्ट इस टैंक बैग का वो है ये मैं लगा के रखता था, ये वाला, जिसके वजह से टैंक बैग बिल्कुल भी हिलता नहीं है जब मैं राइड करता हूँ. इनफैक्ट थोड़ा बहुत ऑफ रोड में भी ट्राई किया है. सो उस टाइम पे भी मतलब एक बार भी नहीं हिलता है. और एक बार तो पूरा लोड करके ये टैंक बैग मैंने यूज़ किया है. सो ये मैं बोल सकता हूँ अच्छा खासा चीज़ है ये, और स्पेशली जो है वो इसके वजह से ही नहीं हिलता है. एंड सो साइड वाला जो पॉकेट है वो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दिखा दिया है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक इस साइड पे है. एंड पीछे वाला पोर्शन ये है, यहाँ पर देखो दो स्ट्रैप दिया है कैरी करने के लिए अपने शोल्डर पे. तो विच इज सेकेंड एंड गुड थिंग. एंड यहाँ पर और एक पॉकेट है जो कि मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, फ़ोन रख सकते हो, GPS के लिए कुछ काम आ जाएगा, GPS एक्सेस के लिए. एंड मेन जो पॉकेट है इस टैंक बैग का ये वाला पार्ट, एक सेकेंड. सो ये वाला पार्ट मतलब ये वाला जो पार्ट है ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. इनफैक्ट बहुत ही क्या बोलूँ सेफ्टी चीज़ मुझे लगा. जो पैडिंग है ना ये देखो, ये पैडिंग वगैरह ऑल साइड में, मतलब क्या स्ट्रॉन्ग पैडिंग है. अगर आप लोग मतलब स्पेशली ब्लॉगर लोगों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, बिकॉज यहाँ पर आप लोग एक कैमरा कैरी कर सकते हो, DSLR वगैरह जो भी है कैमरा इक्विपमेंट इजीली आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, एंड बहुत सेफ है ये. ये देखो इस साइड में कुछ चीज़ भी दिया है, यहाँ पर आप रख भी सकते हो, चार्जिंग पोर्ट वगैरह, पावर बैंक वगैरह यहाँ पर इजीली डाल सकते हो. इनफैक्ट हार्ड डिस्क भी रख सकते हो. सो ये रहा मेन जो कंपार्टमेंट इस बैग का. ये वाला जो चेन है यहाँ से, अगर ये हम ये पूरा खोल देंगे तो ये साइज जो है वो थोड़ा और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगा. एंड
और एक चीज़ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला जो पार्ट है ये रिफ्लेक्ट होता है, या रात को ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो पॉकेट वगैरह के बारे में कितना पॉकेट्स है ये तो आप लोगों को पता चल गया। एंड इसका जो शेप है, मतलब क्या लगता है वैसे, मतलब ऐसा लगता है कि हमें ये टैंक बैग में एक BMW 1250 GS में मतलब यूज़ कर रहा हूँ ऐसा फील होता है। मतलब क्या साइज़ है, देखो इस साइड में थोड़ा डेप्थ है, इस साइड में थोड़ा यू नो छोटा सा, मतलब एक कम्पैक्ट, जब ये टैंक बैग जब बाइक पे बैठाते हो ना तो इतना कम्पैक्ट फील होता है और देखने में भी इतना अच्छा लगता है यार, मस्त। मैं जब ये मेरे टैंक बैग देखा था ना तभी मैं फैन हो गया था इस टैंक बैग का स्पेशली। सो फिर इट्स अ वेरी गुड लुकिंग टैंक बैग मेरे हिसाब से, मतलब आज तक मैंने जितना भी टैंक बैग देखा है तो एकदम बेस्ट है इन दिस सेगमेंट। और प्राइस के बारे में तो आप लोगों को मैंने पहले भी उस वीडियो पे बताया था, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो पे स्पेशली बता देता हूँ, 3300 rupees। ये वाला जो पार्ट है एज यू कैन सी ईजिली कैरी कर सकते हो, एंड छोटे से ट्रिप के लिए भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। मतलब एक दिन का जो ट्रिप होता है, सपोज़ आप लोग 4-5 किलोमीटर जा रहे हैं और कुछ सामान वगैरह कैरी करना था तो ईजिली फिट हो जाता है। एंड या और एक चीज़ तो मैंने दिखाना भूल ही गया, वो है एक रेन कवर, जो कि अगेन एक बहुत ही हाईलाइट करने वाला चीज़ है। तो तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया, ये जो पोर्ट है ना, ये दो जो पोर्ट यहाँ पर दिया है, तो जो चीज़ मैं एक्चुअली मैं ढूंढ रहा था मुझे नहीं मिल रहा, तो वहाँ कहाँ पर घुसा गया। सो ये वाला जो पार्ट है इसे आप लोग इस पोर्ट में लगा सकते हो और ऐसे शोल्डर में डाल सकते हो, डाल के घूम भी सकते हो इजीली। तो ये एक एक्स्ट्रा पोर्ट दिया है और मतलब चारों तरफ से ये टैंक बैग मेरे को बहुत सही लगा। एक तो मैं ऐसे कैरी कर सकता हूँ, ये स्ट्रैप डाल के मैं एक साइड में कैरी कर सकता हूँ अपने शोल्डर के ऊपर, और या फिर दोनों शोल्डर के ऊपर मैं डाल के इजीली मैं घूम सकता हूँ। मतलब तीनों टाइप से मतलब ये टैंक बैग तो बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड वन मोर थिंग, ये रहा ऑफ रोड जहाँ से मैंने ये टैंक बैग खरीदा, तो डिटेल्स वगैरह शायद कैमरे में आ रहा होगा, तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह तो है ही मेंशन किया हुआ यहाँ पर, तो अगर आप लोग कोलकाता से हो तो फिर जाओ जाके खरीद लो। एंड वो वाला वीडियो थोड़ा देख लो तो लोकेशन के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, ये इसका जो शेप है ये इतना ज़्यादा परफेक्ट है कि मैं क्या बताऊँ, शायद आप लोग मेरे मतलब जब मैं ये चीज़ जब मैं फिटिंग करने जाऊँगा तो आप लोगों को दिखाई देगा कि इसका जो शेप है, मतलब टैंक बैग को सिर्फ इस तरफ से निकालो और इजीली आप लोग गाड़ी में तेल भर सकते हो, मतलब भर सकते हो, पूरा खोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना अच्छा कम्पैक्ट ये चीज़ है, और गाड़ी में जो है वो स्क्रैच वगैरह टैंक के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि क्वालिटी तो देखो एक बार इतना सॉफ्ट है ये, तो इसके वजह से एक मतलब एक छोटा सा स्क्रैच भी टैंक के ऊपर, गाड़ी का जो टैंक है उसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आएगा इसके वजह से, जो कि स्पेशली मैग्नेटिक टैंक बैग के ऊपर होता है। एंड कमाल का चीज़ है ये। तो जाओ आप लोग जो कैसे मैं इस टैंक बैग को मतलब स्पेशली इस चीज़ को कैसे मैं गाड़ी के ऊपर फिट करता हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो आप लोग देख कर आओ, देन मैं यहाँ पर मिल जाऊँ। तो मेरे बालों पे मत जाओ, अभी जो ये टैंक बैग का जो ये चीज़ है, मतलब नीचे वाला जो पार्ट है, तो इसको लगाते हैं, और कैसे मैं लगाऊंगा ये मैं आप लोग को ये अभी दिखाने वाला हूँ। और मैं एक्चुअली ट्राईपॉड लाना भूल गया, सो दैट्स वाई थोड़ा देखते हैं कुछ जुगाड़ लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरह से बैठेगा, ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ नीचे से जाएगा, टैंक के सामने जो जगह है ना ये वाला पोर्शन, तो यहाँ नीचे से जाके यहाँ पर लगेगा। और ये जो दोनों पार्ट है, मैं कुछ लोग यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर लगाना
सही चीज़ है इस पोजिशन में. तो ये दोनों साइड में ही होगा सेम फॉर दिस साइड. तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा. जस्ट टैंक बैग, ये दोनों क्लिप खोलना पड़ेगा. टैंक बैग उठाओ और यहाँ पर फिल अप कर लो. ओके, तो चलो मैं पहले जो है वो ये वाला पार्ट में पहले घुमा के लगा लेता हूँ, देन आप लोगों को दिखाता हूँ. ओके, तो इसे कुछ इस तरह से, मतलब ये जो पोर्शन आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक लाया और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो क्लिप है यहाँ पर लगा देना है. डन. ओके, और थोड़ा टाइट वाइट जो है वो अपने हिसाब से कर लेना चाहिए. तो मेरे हिसाब से जो है मैं सेट कर रहा हूँ, बस हो गया. देन ये वाला जो पार्ट है मैं इसे अभी लगाऊंगा. ओके, देन लगा के दिखाता हूँ. सो इस साइड में भी मैंने फिक्स कर दिया और ये वाला जो साइड है यहाँ पर भी फिक्स कर दिया. तो यहाँ पर जो क्लिप है वो मैंने लगा दिया है और ये वाला जो पार्ट है ये टैंक बैग का क्लिप है. कितना गर्मी है यार बाहर, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है. सो एनीवे गाइस, आप लोगों ने तो देख ही लिया है, मतलब इस टैंक बैग को, मतलब जो हार्डवेस है, ये वाला जो पार्ट है वो मैंने कैसे फिट किया. सो ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है. सो ऐसा ही है एंड ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. ये टैंक बैग मतलब बेस्ट, मतलब बहुत दिनों से एक टैंक बैग लेना चाह रहा था, लेकिन एक कॉम्पैक्ट सा टैंक बैग मुझे मिल नहीं रहा था. एक मिला था, लेकिन जब ये वाला टैंक बैग मेरे नज़र में आया, मतलब पड़ा, देन तो चलो वो टैंक बैग मैंने छोड़ दिया और सीधा ये जाके ले लिया. तो या इट्स अ वेरी गुड टैंक बैग. तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही सही टैंक बैग है. तो अगर आप लेना चाहते हो तो जाओ, जाके खरीद लो. सब कुछ लिंक, शोरूम का लिंक, सब कुछ का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है. तो जाओ जाके खरीद लो एंड खरीदने के बाद मेरे को बताओ क्या चीज़ ख़राब लगा या सही लगा, कमेंट करो वीडियो के नीचे. सो ये जो वीडियो है ये पूरा एंड पूरा इस टैंक बैग के बारे में था. सो चलो गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड देखो यार, ये कोई छोटा रिव्यू तो नहीं है, लेकिन जितना भी है मैं इस टैंक बैग के बारे में डिटेल में आप लोगों को दिखा दिया क्या है और क्या नहीं है इस टैंक बैग के अंदर और कैसे सेटअप करना है एंड ऑल. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो. एंड जो भी मतलब आप लोगों का कुछ फ्रेंड वगैरह हो, भैया वगैरह हो, जो लोग राइड करते हैं तो उसको बताओ, शेयर करो एंड इट्स उन लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा. एक अच्छा चीज़ है एटलीस्ट राइड के टाइम पे ये हैंग बैग तो बहुत ही काम आएगा. सो एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग. टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ व्हेरेवर यू आर एंड हैप्पी दुर्गा पूजा वंस अगेन गाइस. तो सेफली एंजॉय करो एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.